इस रोटी के पैसे ले लें, अल्लाह ताला आपको उसका नेमो बदल अता फरमाए, बरकत नसीब हों। मोहतरम, आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, यह 8 रोटियों के पैसे हैं जबकि आपने 4 लिए हैं। जी बकाया 4 रोटियां नेकी की टोकरी में डाल दें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नेकी की इस टोकरी की लंबी कहानी है। यह उस्मानियों की खूबसूरत रवायतों में से एक है। ग्राहक तंदूर में आता है, एक रोटी खरीदता है जबकि पैसे धो के अदा करता है। दूसरी रोटी नेकी की टोकरी में डाल दी जाती है ताकि किसी मोहताज तक पहुंच जाए। यूं मोहताज शख्स तंदूर में आता है और अपनी ज़रूरत की रोटी मुफ्त में हासिल करता है। मेरी बहन खुश आमदी, क्या आपको रोटी चाहिए? जी हाँ। लीजिए मेरी बहन, 4 रोटियां, मेरे लिए तो 2 ही काफी हैं। बाकी 2 किसी जरूरतमंद को दीजिए। ज़रूरतमंद शख्स दुकान में आता है और हसब ज़रूरत ही रोटी लेता है। वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रोटियां लेने का नहीं सोचता। इस रवायत के कुछ खूबसूरत पहलू ये हैं जो लोग किसी ज़माने में मोहताज हुआ करते। वो आसूदगी के बाद तंगी के दिनों को नहीं भूलते, चनाचे वो रोटी खरीदते वक्त नेकी की टोकरी में रोटी डालना नहीं भूलते। क्या रोटी मिल सकती है? लीजिए बहन। ये 2 रोटी टोकरी में रख दीजिए। मेरी बहन, अल्लाह कबूल फरमाए। कल मेरा था, आज उसका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो नहीं जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो लेकिन उसके पहलू में हमसाया भूखा हो। नेकी की टोकरी एक बेहतरीन मिसाल है कि बाहम खैर ख्वाही और एहसास से भरपूर समाज तश्कील दिया जाए।